टीवी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा के दो जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दरअसल ये बसें कल से शुरू होंगी। इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सेवा की शुरुआत कल से होगी। 7 शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत होगी। पंचकुला से लेकर हिसार तक सर्राटे से दौड़ेंगी बसें। सीएम मनोहर लाल पानीपत से इसकी शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां 7 शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत होगी, पंचकुला से लेकर हिसार तक ये बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत से इसकी शुरुआत करेंगे। हरियाणा के दो जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, बहुत बड़ी सौगात एक बार फिर से जनता को मिलने जा रही है, सीएम मनोहर लाल पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रगति, कल मुख्यमंत्री का 2 बजे का प्रोग्राम है पानीपत में। पानीपत का जो नया बस स्टैंड बने दिल्ली रोड पर, वहां से मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक एसी बसों की शुभारंभ करेंगे। कल 5 बसें यमुना नगर डिपो, 5 पानीपत, ये कल शुरुआत हो रही है। लेकिन पानीपत डिपो को कुल 50 बसें मिलेंगी, बाकी बसें अप्रैल में आएंगी। बसों की खासियत ये लो फ्लोर बसें, जैसे बीटीसी की दिल्ली में चलती है लो फ्लोर बसें, एसी और इलेक्ट्रिक कंफर्टेबल बसें होंगी और ये सिटी में तो चलेगी, आसपास के गांव में भी ये सर्विस रहेगी और किराया भी इसका बड़ा वाजिब होगा। तो कल मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए ये शुरुआत करें, अभी 2 जिलों की यमुनानगर और पानीपत, उसके बाद 7 और जिलों में ये सेवा शुरू की जाएगी। अप्रैल में बाकी बसें आएंगी, तो हरियाणा को मतलब एक नई सौगात है नई साल में, इलेक्ट्रिक और एसी बसें लो फ्लोर। जिस लो फ्लोर इसलिए ताकि जो बुजुर्ग होते हैं, महिला पुरुष है, उनको चढ़ने चढ़ने में दिक्कत ना हो और किराया भी बहुत वाजिब होगा। आसपास के जो 20-25 किलोमीटर तक के गांव में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वहां के लिए भी सेवा उपलब्ध रहेगी। तो एक बड़ी सौगात हरियाणा को उस तरीके से, जैसे महानगरों में होती है, मुंबई है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, तो महानगरों जैसा एहसास हरियाणा के लोगों को भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।